सुप्रभात बच्चों, आपका कक्षा 2 अध्याय 2 हिंदी व्याकरण वर्णमाला अध्याय 2 की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने पढ़ा कि हम अपने विचार को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। हम कोई भी अपनी बात मन की हो उसे एक दूसरे को बताने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। इससे हम बोलने या लिखने के लिए कुछ संकेतों की सहायता लेते हैं और ये संकेत वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। तो आप अपनी बात, कोई भी बात अगर किसी बोलना भी चाहते हैं तो आप किसी भाषा में ही बोलेंगे, वो हिंदी हो, बंगला हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो तो आप उसी में बोलेंगे। यानी कि आपको अपनी बात रखने के लिए, समझाने के लिए, बोलने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ेगा और फिर उस भाषा के कुछ संकेतों वर्ण होंगे, जैसे कि हिंदी में OI, इंग्लिश में ABCD आप पढ़े हैं तो इसके सहारे ही अपनी बात आप बोलते हैं या लिख के बताते हैं। तो हमें अपनी बात रखने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, कोई सांकेतिक शब्द या सांकेतिक वर्ण या अक्षर की सहायता लेते हैं उसे। तो वो वर्णों की समूह को जब हम क्रम में लिखा जाता है तब उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला यानी कि बहुत सारे वर्ण के समूह एक साथ हो, जैसे अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ उ औ अंग आ और क ख ग, ये सब क्या है, वर्ण है। जब इसे एक साथ समूह में क्रमबद्ध का मतलब हुआ जिसके बाद जिसको लिखना चाहिए, जैसे क के बाद ख लिखते हैं हम, छ के बाद छ लिखते हैं, तो ऐसे ही अगर हम लिखें तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ये देखिए आपकी पुस्तक में हिंदी वर्णमाला दिया हुआ है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को जब हम क्रम से लिखते हैं तब उसे हम वर्णमाला कहते हैं। आप इन वर्णों को पढ़कर देखिए, अ से औ तक वर्ण को बोलने में हम अपने मुंह में कोई रुकावट नहीं महसूस करते। जैसे आप अ से औ तक बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्वतः बिना किसी सहारे से ये वर्ण आपके मुंह से निकल रहे हैं, जैसे अ आ छोटी बड़ी। जब आप ऐसे ही बोलते जाएंगे अ तक तो आपको लगेगा ये बिना रुकावट के, बिना सहायता से बोले जा रहे हैं। लेकिन जब आप क से लेके ह तक बोलेंगे तो आपको क्या महसूस होगा कि आपके मुंह से जो वर्ड निकल रहा है उसके पीछे से अ सुनाई पड़ता है। आप बोले क ख ग घ, आपको क्या पीछे से सुनाई दे रहा है, अ सुनाई दे रहा है। तो यह अ के बिना सहायता के नहीं बोल सकते हम इन्हें, तो ये अ की सहायता से बोले जाते हैं और जो अ से औ तक स्वतः निकलते हैं बिना सहायता के। तो वर्ण को हम दो भाग में बांटते हैं, एक हो गया स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो बिना रुकावट के, बिना सहायता से बोले जाएं अ से लेके औ तक, और व्यंजन वर्ण अ से लेके, माफ़ कीजिएगा, व्यंजन वर्ण क से लेके ह तक, ये व्यंजन वर्ण है जो जब भी हम बोलेंगे तो उसमें पीछे से अ सुनाई पड़ेगा, ये अ की सहायता से बोली जाती है। तो आपको क्या पता चला, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्णमाला को दो भाग में बांटते हैं हम, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए हिंदी में वर्णमाला 11 स्वर वर्ण होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। आपको कितने होते हैं वर्णमाला में, 11 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण। अब देखिए कुछ शब्द के बारे में दिया हुआ है, ये शब्द ड़ और ढ हैं, इनका उच्चारण करके देखिए। ये दोनों क्रमशः र और ढ के बने हैं लेकिन इनका उच्चारण र ढ से अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा जोर पड़ता है, र ड़ ढ ढ। तो आप जब बोलेंगे तो इस पर आपको थोड़ा जोर पड़ेगा। और ये शब्द, ये माफ़ कीजिएगा, ये वर्ण, ये व्यंजन वर्ण की भांति ही हिंदी में शामिल किए गए हैं लेकिन इन्हें हम बीच में लिख सकते हैं, प्रारंभ में नहीं।
इन्हें बीच में भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रारंभ में नहीं होते हैं। देखिए जैसे सड़क, पेड़, ओढ़नी, सीढ़ी, ये पहला अक्षर कोई भी नहीं है, पहला बाद का और बीच का है। अब जो हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन। हमारी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श वर्ण भी शामिल होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं? छ, त्र, ज्ञ और श, ये संयुक्त व्यंजन है। क्यों इन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं? इनमें दो व्यंजनों का मेल, इनमें दो व्यंजनों का मेल नया रूप धारण कर दिया है, यानी कि आप देखिए दो व्यंजन मिलके ये संयुक्त व्यंजन बने हैं। उदाहरण में जैसा आपको दिख रहा है, तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजनों के आपस में मेल होगा तो एक नया रूप धारण करेगा, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त अक्षर हैं, ये भी संयुक्त व्यंजन की भांति कुछ व्यंजन भी आपस में जुड़े हैं, जैसे आधा क का म, आधा क की मक्खी, ये कुछ व्यंजन आपस में जुड़े हैं जिसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो ये जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब उनका मेल संयुक्त अक्षर कहलाता है। आप समझे संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हों तो उनका मेल संयुक्त अक्षर कहलाता है। अब समान व्यंजनों का मेल, दो समान व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे कु आधा तोता कुत्ता, च आधा चम्मच, और ये आपस में जब मिलते हैं तो एक समान व्यंजन मेल का शब्द बनाते हैं। अब आगे असमान व्यंजनों का मेल, कुछ असमान व्यंजन यानी कि दो विभिन्न व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो कोई आपको शब्द बनाएंगे, जैसे गु आधा चौछा गुच्छा, ट्रक सर्व, ये दो विभिन्न व्यंजन, अलग अलग व्यंजन आपस में मिले हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? असमान व्यंजनों का मेल। अब हम स्वरों की मात्रा पढ़ेंगे। स्वरों की मात्रा किसे कहते हैं? आपने ज़्यादातर देखा होगा कि आ से मात्रा शुरू होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो पीछे से आपको क्या सुनाई देगा? अ। तो ये किसी के साथ, इसीलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और आ से लेके औ तक मात्रा के बारे में हम आज इसमें जानेंगे, जब हम कहाँ लगाएंगे और क्या बनेगा। तो अब जैसे उदाहरण के तौर पे आ की मात्रा व्यंजन के साथ लगाएंगे, क के साथ लगाते हैं तो क में आ की मात्रा लो काल, वैसे ही छोटी की मात्रा क में छोटी की मात्रा कीन, वैसे ही बड़ी की मात्रा क में बड़ी की मात्रा कील, ऊ क में ऊ की मात्रा कुछ, बड़ी ऊ की मात्रा क में ऊप कूप, और री की मात्रा क में री की मात्रा कृपा। ऐसे ही हम बाकी मात्राओं को भी सब